केन्द्र कृषि आईन को विरोध करी जारी रही आंदोलन एवं भिन्न मोड़ नेबार लगी। हिंसा पर गाजीपुर सीमार सृष्टि अप्रीतिकर परिस्थिति। दिल्ली सीमार आंदोलन स्थल में बिजुली काटि दिजापे एवं भयभीत अवस्था अच्छा आंदोलनकारी चाषी। बिजुली काटि आंदोलन को बंद करने को सरकार चाहती चाषी नेता राकेश टिकायत अभियोग कर आंदोलन स्थल में बिजुली काटि सरकार चाषी को भयभीत करने को चेष्टा कर सारा रात्रि उजागर रही चाषी। तेपटे दिल्ली हिंसा घटन जांच पर पुलिस डाकिले निश्चय जिबे बोली चाषी नेता राकेश टिकायत कहते। सेपरे गाजीपुर सीमार बिजुली कटाजा पर अनेक आंदोलनकारी धारणु ओहरी जाती आंदोलन जारी रही स्पष्ट भाव में राकेश टिकायत। सेपरे लालकिले जे पताका उड़ाई विरोध में कार्यानुष्ठान दरकार बोली टिकायत कहते। अपरपटे जो रूट्रे ट्राक्टर राली अनुमति दि जाता से रूट्रे राली पुलिस अनुमति दे नथिला बोली राकेश टिकायत कहते। घटना रे पुलिस अनेक चाषी नेता नारे मामला रुजु करता बेले 200 जन को अटक रखी। सीसीटीवी फुटेज आधार में छानबीन जारी रखी पुलिस। तेपटे चाषी आंदोलन मुह फेर दुईट चाषी संगठन हिंसा घटना को निंदा कर आंदोलन ओहरी चाषी नेता बीएम सिंह कहते। तेपटे फेब्रुआरी 1 रे संसद मार्च को बातिल कर आंदोलनकारी चाषी आसंता 30 तारीख में उपवास रखा निष्पत्ति। दिल्ली में चाषी ट्राक्टर राली समय हिंसा परे आरंभ हो दोष लदालदी। राली समय लालकिले चाषी मैंने पताका उत्तोलन और बारिकेड भांगा को नहीं दोष लदालदी चली। कृषक मजदूर संघर्ष घटना को संगठन को पुलिस दायी कर संगठन मुख्य संपादक श्रवण सिंह परविंदर को समन जारी कर पुलिस। दिल्ली हिंसा घटना पर कृषक मजदूर संघर्ष संगठन संपादकों आलोचना करम प्रतिनिधि विभूतिपति। सबु निंदा अपवाद वर्तमान किसान मजदूर संघ उपरे आसी। गत काली लाल किलारे गोटे निर्दिष्ट धर्मियों संगठन पताका उड़ीबा परे ताकु नहीं कृषक आंदोलन गोटे भिन्न रूपरेख प्रस्तुत होई एवं वर्तमान नंदीघोष टीवी को से किसान मजदूर संघर वरिष्ठ नेता सरवण सिंह पवनर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू देखते देखा कौन जो निंदा और दोष रही ताकू नहीं कौन कहते। देखिए हमने जो 26 का सा सभी जूनियर ने दो फरवरी को ऐलान जनवरी को ऐलान कर दिया सा। यह संयुक्त मोर्चे का ऐलान था सभी संयुक्त मोर्चे के साथ वाले सभी जूनियर का। और उसके बाद इसका आउटिंग रिंग रोड का भी कार्यक्रम सबने मिलकर अपनाया था। जो पुलिस से मीटिंग हुई या मोर्चे को हमें यही था भी ये अंतिम निर्णय है आउटिंग रिंग रोड का। 25 को पीसी के बाद पता लगा भी ये बदल दिया गया तो हमने पुलिस से भी बात की संयुक्त मोर्चे के लोगों से बड़े नेताओं से भी बात की पर हमारी सहमति ना बनी। अब सभी लोगों को हमने ये कहता था भी आउटिंग रिंग रोड पे प्रदर्शन करेंगे तो हमने पुलिस से भी हाथ जोड़ कर विनती की कुछ हिस्सा दे दीजिए हमें आपका भी कार्यक्रम हमारा भी हो जाए। और यहाँ से हमने लेट चलने का फैसला किया अभी अगर परेड निकल जाए तो अच्छा होगा। इससे पहले हमने ऐलान कर दिया था भी लाल किले पर या परेड में किसी तरह का कार्यक्रम करने का किसान यूनियंस का कोई ऐलान नहीं है। सरवण भैया पुलिस का भी गलती है गुइंदा ने भी बताया था और ये जो दीप सिद्धू है ये एक जाना माना फेस है फिर भी वो सबके आगे निकल गया क्योंकि दिसंबर में उसको एनआईए का नोटिस भी हुआ था। ये दीपू सिद्धू को लेकर लग रहा है पुलिस कुछ साजिश कर रहा है इसको लेकर क्या बताएंगे। हाँ देखिए यही था जब हम रिंग रोड पर थे तो कुछ बताया गया भी कुछ लोग लाल किले पे चले गए हैं दीप सिद्धू के बारे में था तो मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा भी लाल किले के दरवाजे के ऊपर जितनी सिक्योरिटी होती है भी लोग अंदर कैसे चले गए। अंदर तो आप भी गए उसके बाद इतना बड़ा हो गई तो उसके बाद दीप सिद्धू बाहर कैसे आ गया तो उसको रास्ता किसने दिया तो ये सवाल तो हमारे मन में नहीं है। हम साफ कहना चाहते हैं कि दिल्ली के आसपास जो हिंसक घटना हुई जो झंडा फहराने का कार्यक्रम हमारा वैसा कोई कार्यक्रम नहीं था। ये लग रहा है ये घटना होने के बाद फरवरी 1 को जो चेतावनी दिया है संसद मार्ग में धरना और अनशन करने के लिए फरवरी 1 का जब बजट सेशन चलेगा ये आंदोलन के ऊपर कुछ प्रभाव पड़ेगा। हाँ देखिए ये संयुक्त मोर्चे का है का कॉल है और हम भी साथ में चलते हैं। अब संयुक्त मोर्चा सब मिल के इसके बारे में सोचेंगे अब सरकार क्या निर्णय लेती उसके पक्ष में पर जो कुछ हुआ इसको मूल्यांकन तो करेंगे ये इसको सबको सोचना चाहिए तो पहले भी आंदोलन चल रहा था आगे भी चलेगा। देखिए आगो को आंदोलन चलो एवं लाल किला रे जो धर्मियों अनुष्ठान पताका उड़ी ताकू निश्चित भाव किसान
मजदूर संघ भी निंदा करुच्ची एवं समस्त किसान भाई माने यहाँ को निंदा करुच्ची। नुआदिल्ली कैमरामैन प्रदीप सहित विभूति पति रिपोर्ट नंदी घोष टीवी।